हेलो दोस्तों, शड़ी मूड में आप सभी लोगों का स्वागत है। काफ़ी आप लोग बोल रहे थे बार बार कि सर जी मैथ में स्कोर कम आ रहा है, मैथ के लिए कोई बैच बताइए, वो भी मिनिमम फी पर, कि एक छोटे से छोटे परिवार के कोई भी सदस्य इसको ज्वाइन कर सके और अपना मैथ मजबूत कर सके। अब आप कहिएगा कि सर जी अभी मैथ अनाउंस करने से कोई फ़ायदा दिखाई दे रहा है, तो अभी ये तो फ़ायदा दिखाई दे रहा है। बिहार दरोगा में पीटी में आपको मैथ की संख्या बढ़ा रहा है और मेंस में बिना मैथ के तो आप मेरिट में आ ही नहीं सकते। बीएसएससी के थ्रू इंटरमीडिएट लेवल का जो पोस्ट आ रहा है जिसमें पंचायत सचिव भी है, 75 को मैथ रीजनिंग है, तो उसमें भी अपना जगह नहीं बना सकते। एक्साइज कॉन्स्टेबल के आने वाला है भर्ती, इस भर्ती को जैसे ही क्लियर के मूड पर जाता है, फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर का भर्ती आएगा, वो सभी मैथ वाले ही हैं भर्ती, उसमें मैथ जरूरी होता है। बाकी आप देखो रेलवे का एकदम प्रचंड भर्ती आ रहा है, ठीक, उसमें भी मैथ है। SSC, MTS, LDC ये जो एग्ज़ाम अपना लेता है उसमें भी मैथ है, या बिहार के और भी जो भर्ती निकाले जाएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा उसमें भी मैथ है। तो मैथ के बिना आप देखो, मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, मैथ में पता होता है कि आप बनाओगे तत्काल आंसर निकल कर आ जाएगा। तो मैं बार बार ये बोलता हूँ कहीं भी भर्ती में कोई भी, कि बिना मैथ रीजनिंग का आगे नहीं बढ़ सकते। अगर जिसमें मैथ रीजनिंग है वो जानबूझकर डाला जाता है मैथ रीजनिंग, लड़कों को आईक्यू पावर देखा जाए, तत्काल समय में वो आंसर निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते, डिसीजन क्या होना चाहिए। तो मात्र आप देख सकते हैं कि अभी 101 रुपया फी लिखा गया है, लेकिन बैच तो 99 रुपया में ही आपको दिया गया है, ठीक ना। 2 रुपये तो टैक्स लग जाता है, इसलिए 101 रुपया हो जाता है। तो मात्र 99 रुपया में आपको एकदम पूरे सिलेबस मैथ का आपको देखने को मुकेश सर पढ़ाएंगे, और एकदम बेहतरीन जीरो से लेके आपको जहां तक क्वेश्चन आता है हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको PDF मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। इससे आपकी क्या होगी, डेली बेसिस पर जो प्रैक्टिस होगा उससे आप बेहतर फील कर पाइएगा। और ये समझ लीजिए घर बैठे ही अपना मैथ का तैयारी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत जीरो से, बीच ले कीजिएगा कुछ नहीं समझ में आता है। तो 18 तारीख से सोमवार पड़ रहा है, ठीक, भगवान के नाम लेके बैच स्टार्ट किया जा रहा है। जितने भी अभ्यर्थी अभी तक जुड़े हुए हैं बधाई हो उनको, और जो नए अभ्यर्थी हैं तत्काल जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऑफर का लाभ उठाइए, वरना देखिएगा यही बैच कितना हाइप हो जाएगा, कितना दाम बढ़ जाएगा। और उस समय आप अगर बोलिएगा सर जी पैसा तनिक से कम कर दी ना, अब क्या कम कर दी, 101 रुपये दाम है जी, 101 रुपये एक दिन भी, एक दिन का एक रुपया भी नहीं पड़ेगा, मात्र 50 पैसा एक दिन का तुम दोगे पढ़ने के लिए, एक क्लास डेली, समझ रहे हो। बुद्धि लगाओ, मैथ मजबूत करो। सर को हम बुला रहे हैं, सर बताएंगे इसमें क्या सुविधा मिलेगा, और ये मिलेगा स्टडी मूड एप्लीकेशन, जाइए वहां से बैच ज्वाइन कर लीजिए। चलिए सर को हम बुला रहे हैं, सर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपके मार्गदर्शन में यह बैच लॉन्च किया गया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सर तो सारा कुछ बताए ही हैं, तो अभी जितने भी वैकेंसी आने वाले हैं, इस बैच का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपका 4 से 5 महीना के अंदर में जो भी एग्जाम होने वाला, जैसे में आप देखेंगे कि बिहार SI, इसके बाद आप बिहार SSC से रिलेटेड आपका आ रहा है, इसके बाद आप देखेंगे कि आपका बिहार फॉरेस्ट का आएगा, इसके बाद आप देखेंगे SSC GD का बहुत बड़ा वैकेंसी आ रही है, इसके बाद आपका रेलवे में RPF का भी आने वाला है, और रेलवे भी बहुत सारा वैकेंसी देने वाली है। तो सभी एग्जाम के लिए अभी से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसे ही एग्जाम आते आते तक उस समय आपको अफसोस नहीं करना पड़ेगा कि काश हम मैथ पढ़े हुए रहते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो अभी से ही तैयारी करना चाहिए, और अभी से आप तैयारी करेंगे तो आगे चल करके आपको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले आपको अपना स्टडी मूड एप्लीकेशन को ज्वाइन करना है। यह एप्लीकेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, तो गूगल के प्ले स्टोर पर जाइएगा, जाने के बाद वहाँ से सर्च कीजिएगा तो आपको स्टडी मूड का यह एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करने के बाद, उसको इंस्टॉल करने के बाद वहाँ आपको कोर्स दिख जाएंगे, ठीक है, कोर्स दिखेगा, वहाँ पे जाकर के आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अभी आपको 101 दिख रहा है लेकिन 99 रुपया में ही बैच को लॉन्च किया गया है। वहाँ पे आप देखेंगे कि 99 रुपया ही आपको शो करेगा, और यहाँ पे देखेंगे कि 99 रुपया से बढ़ते चला जाएगा, यानी कितना तक के बढ़ेगा आप खुद नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि यह मिनिमम फी रखा गया है। सर बोले कि ये नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसा के अभाव में वह नहीं पढ़ पाते हैं। तो पैसा तो खैर दूर की बात है, लेकिन आपको इतना कुछ मिलने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना बेहतरीन चीज़ आपको मिलने वाला है। हाँ, इसका सारा जो PDF होगा, यानी मैथ का चैप्टर वाइज जो PDF मिलेगा, वो PDF
पहले से ही, यानी चैप्टर को शुरू करने से पहले ही आपको डाल दिया जाएगा कहाँ पे, सारा मटेरियल तैयार है और आपको डाल दिया जाएगा एप्लीकेशन पर ही डाल दिया जाएगा, ताकि पहले से ही आप जीरोक्स करवा करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि स्टडी मोड एप्लीकेशन पे जाकर के ये सब चीज़ करना है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यह किस किस चीज़ के लिए बैच है, तो बैंक, एसएससी, रेलवे, बिहार यानी पुलिस, पुलिस में आप देख सकते हैं क्या कि स्टेट पुलिस किसी भी प्रकार का हो, आप अगर दिल्ली से हैं, यूपी से हैं, यानी किसी भी प्रकार के पुलिस का आप तैयारी कर सकते हैं स्टेट पुलिस का। इसका एसआई वगैरह जो भी है, यानी जनरल कंपटीशन आप कह सकते हैं कि जनरल कंपटीशन का आप फॉर्म फिलअप करते हैं और आपका मैथ चाहे जितना भी कमज़ोर है, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को हम सिखलाने का वादा करते हैं और जीरो से हम सिखलाने वाले हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे आप कि हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि स्टडी मूड स्टूडेंट के लिए, स्टडी मूड परिवार के लिए यहाँ पे देखिएगा कि ये पता जो दिया गया है, तो ऑनलाइन का पता तो नहीं होता है लेकिन ऑफलाइन का जरूर पता होता है। तो यह हमारा क्लास ऑफलाइन चल रही है, कहाँ पे स्टडी मूड का, यह चल रही है पटना में। पटना में कहाँ पे, तो रामपुर लाइन यानी नहर नाला के बगल में लैंडमार्क क्या है, तो साईं चौक। साईं चौक एक साईं मंदिर है और यह साईं चौक है, ठीक है, मुसल्लापुर पटना, ठीक है। तो साईं चौक कहिएगा तो आपको कोई भी पता बता देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यह न्यू ऑनलाइन बैच है, बिल्कुल ऑनलाइन चलेगा, लाइव क्लास चलेगा, उसको आप बाद में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि इसमें फैसिलिटीज क्या क्या मिलेंगे, तो लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लाइव भी मिलेगा, कभी कभी वैसा सिचुएशन आएगा कि रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा। इसका नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसका हाँ, सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, तो टेस्ट समय समय पर लिया जाएगा। टेस्ट में आप देखेंगे कि टेस्ट कैसे लिया जाता है, तो टेस्ट हमारे यहाँ एक होता है, सेक्शनल वाइज टेस्ट होता है, यानी कहने का मतलब जो चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा, यानी जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उस चैप्टर से टेस्ट होंगे। इसके बाद तीन चार चैप्टर मिलाकर के टेस्ट होने लगेंगे। इसके बाद देखिएगा कि जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो कम से कम 30 टेस्ट यानी 30 टेस्ट पूरा मिसलेनियस होगा, तो यानी आपका मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कि आपको यहाँ पे वैलिडिटी, हाँ यहाँ पे देखिएगा कि प्रैक्टिस मटेरियल दिया जाएगा, यानी जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद देखिएगा कि वैलिडिटी इसका रहेगा, यानी यह मान्यता रहेगा कोर्स का 12 महीना, यानी पूरे 12 महीने तक आप रिवीजन कर सकते हैं। जैसे मैं माने चले 4 से 5 महीना में आपका क्लास ड्रॉप होगा, और इसके बाद भी यदि आप वीडियो को देखना चाहते हैं, आप रिवीजन करना चाहते हैं, सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हर तरह का वैलिडिटी आपको रहेगा कितना, तो आपको 12 महीना यानी पूरे 1 साल का यह वैलिडिटी के साथ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि मैथ में हमने 5 वॉल्यूम क्रिएट किया है, और 5 वॉल्यूम में आपका पूरा मैथ, कुछ भी छूटने को नहीं है, हर एक क्वेश्चन आप बना पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि वॉल्यूम वन में आप देखने वाले हैं, वॉल्यूम वन में हमारा है क्या, नंबर सिस्टम। सबसे पहले तो देखिएगा कि नंबर सिस्टम में यहाँ पे हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम। तो देखिएगा कि नंबर सिस्टम यह एक टॉपिक है, यानी वॉल्यूम वन में है। नंबर सिस्टम में जो चैप्टर आते हैं, तो देखिए एक तो हो गया पर्सनल आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बहुत सारे चीज़ आते हैं, जैसे नंबर ऑफ जीरोज निकालना, यूनिट डिजिट निकालना यानी इकाई अंक निकालना, इसके बाद आपका अभाज्य गुणनखंड निकालना यानी गुणनखंड निकालना, यानी बहुत सारे चीज़ आते हैं टॉपिक वाइज टॉपिक, यानी टोटल इसमें 19 टॉपिक है, यानी 19 टाइप है आपका सिर्फ नंबर सिस्टम में। लगभग 400+ क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा कि स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, यानी वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल का यह अगला आपका चैप्टर होने जा रहा है। तीसरा चैप्टर देखिएगा कि सर्च एंड इंडिसेस यानी घातांक एवं करनी। इसके बाद देखिएगा कि फ्रैक्शन यानी भिन्न। इसके बाद देखिएगा कि सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। इसके बाद देखिएगा बाइनरी नंबर सिस्टम यानी द्विधारी अंकन पद्धति। इसके बाद एपी, जीपी और एचपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा, यानी कहने का मतलब समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। यहाँ पे देखिएगा रेस यानी दौड़ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको मिलने जा रहा है। यानी वॉल्यूम वन में पूरे आपको 8 चैप्टर कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि पूरे 8 चैप्टर आपको वॉल्यूम वन में दिया गया है। इसके बाद देखिएगा कि वॉल्यूम टू का बात यदि हम करते हैं, तो वॉल्यूम टू में हम देखते हैं यहाँ पे कि
यह हमारा अर्थमेटिक का है, यानी वॉल्यूम टू जो है हमारा अर्थमेटिक का है। अर्थमेटिक में देखेगा कि क्या क्या चीज़ मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात का यह चैप्टर होने जा रहा है। इसके बाद देखिएगा कि दसवां नंबर है कि एज रिलेशन, यानी कहने का मतलब क्या कि एज संबंधित, आयु संबंधित जो प्रश्न होता है वो चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद देखिएगा एलसीएम, एचसीएफ और जीसीडी, यानी वही चीज़ होता है, एचसीएफ को ही जीसीडी बोला जाता है। तो लसा और मसा, ठीक है, यानी 11वां नंबर आपका चैप्टर होगा। 12वां नंबर चैप्टर जो होगा वह टाइम एंड वर्क से रिलेटेड होगा, यानी कार्य और समय से। इसके बाद देखिए 13वां नंबर जो होगा पाइप एंड सिस्टम यानी नल और टंकी से रिलेटेड यह चैप्टर होगा। 14वां नंबर देखिएगा कि पार्टनरशिप यानी साझेदारी। 15वां देखिएगा कि मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी मिश्रण और पृथ्वीकरण। इसके बाद देखिएगा कि 16वां नंबर एवरेज यानी औसत। तो देखेंगे कि यहाँ पे 8 चैप्टर इसमें भी है यानी वॉल्यूम 2 में। इसके बाद देखिएगा आगे हम लोग देखते हैं वॉल्यूम 3 में आपको क्या मिलने वाला है। तो वॉल्यूम 3 में ये भी हमारा अरिथमेटिक का होगा। अरिथमेटिक में आप देखेंगे इसमें भी, इसमें परसेंटेज है यानी प्रतिशतता। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, ट्रेन है, बोट एंड स्ट्रीम। तो यहाँ पे देखिएगा कि 24 चैप्टर, यानी कहने का मतलब प्रत्येक वॉल्यूम में आपका 8-8 चैप्टर दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वॉल्यूम 3 यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्यूम 4 में। वॉल्यूम 4 में यहाँ से एडवांस मैथ हमारा आता है। एडवांस मैथ में आप देखेंगे कि क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया में आप देखेंगे, एरिया में आप हर एक चीज़ का एरिया आप निकालेंगे, है ना, त्रिभुज का हो, आयत का हो, वर्ग का हो, यानी किसी भी चीज़ का आप एरिया निकाल सकते हैं। इसका देखेगा कि आयतन, यहाँ पे आयतन यानी वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं वो सारा टॉपिक इसमें दिए हुए रहेंगे। प्रिज्म और पिरामिड से क्वेश्चन होगा, बहुभुज एवं उनके कोण से रिलेटेड होगा, इसका त्रिकोणमिति आपका होगा, इसका वृत्त, जीवा, चाप एवं स्पर्श रेखा। इसके बाद देखेगा कि त्रिभुज पढ़ना है, इसका निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इतना सारा चीज़ आपको एडवांस मैथ में पढ़ना है। आगे और भी है एडवांस मैथ में, यहाँ पे देखेगा कि एडवांस मैथ में और भी है, यहाँ और भी देखेंगे कि एडवांस मैथ में बीजगणितीय सूत्रों पर का अनुप्रयोग। इसके बाद ऊंचाई और दूरियाँ यानी हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड होगा। इसके बाद प्रारंभिक सांख्यिकी प्रायिकता, ठीक है। इसके बाद देखेगा द्विधारी यानी द्विघातीय समीकरण और असमानता यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन देखेंगे। इसका लॉगरिथम यानी लघुगुणक यानी लॉग का भी इसमें आपको क्वेश्चन मिलने वाला, ठीक है। आगे फिर हम लोग देखते हैं, ये तो हमारा चौथा वॉल्यूम था। पांचवा वॉल्यूम में देखिएगा, यह हमारा लास्ट वॉल्यूम है। तो इसमें आप देखने वाले हैं कि DI और DS, ठीक है, DI DS से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं आप दंड आरेख और वृत्त आरेख, है ना, यानी पाई चार्ट जिसको बोलते हैं, तो पाई चार्ट और दंड आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखेगा कि सारणियन, ठीक है, यानी ट्यूबुलेशन। इसके बाद देखेगा रेखा चित्र लाइन ग्राफ, इसके बाद आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम। इसके बाद देखेंगे कि दंड आरेख यानी बार ग्राफ। इसके बाद पाई चार्ट, यानी यहाँ पे 5 चैप्टर यहाँ पे आ गया, यानी टोटल आपको 42 चैप्टर, इसे टोटल 42 चैप्टर आपको मिलने वाला है। यानी कहने का मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार का आप एग्जाम के तैयारी करते हैं तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आपसे फंसने वाला नहीं है। पढ़ने के बाद हर एक चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा, पूरे बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक आपको लेकर के जाएंगे हम। और मैथ में यदि आपको डर लग रहा होगा तो उस डर को हम भगाने का काम करेंगे। तो ये सारा चीज़ आप देख लिए होंगे, एक शॉर्टकट यह एक वीडियो था जिसमें हम क्या क्या चीज़ आपको सिखलाने वाले हैं, कैसे आपको कोर्स परचेज करना है, ये सारा जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल गया है। तो जल्दी से जल्दी जाइए और जाकर के लाभ उठाइए इस ऑफर का, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।